Havok OS for Redmi Note 7. So guys, ये लेटेस्ट बिल्ड है Havok OS का Redmi Note 7, और मैं आज इसी रूम का रिव्यू देने वाला हूँ आपको और पूरा फुल इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बताऊँगा. सो वीडियो को पूरा देखना एंड आपको कैसे इंस्टॉल करना ये देखना आपको बहुत ज़रूरी है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो है Havok OS को इंस्टॉल कर लिया है, और यहाँ पर मुझे कोई दूसरा कर्नल मिल रहा था बट इसमें मैंने जो है प्रीडेटर स्टॉर्म ब्रेकर का स्टेबल कर्नल जो है मैंने इंस्टॉल किया, क्योंकि ये कर्नल मुझे ज़्यादा सही लगता है क्योंकि इसमें बैटरी बैकअप भी मुझे बहुत अच्छी मिलती है. इसलिए मैंने इस कर्नल को जो है इंस्टॉल किया है, और इस कर्नल को इंस्टॉल करने की वजह से आपके फ़ोन में जो है कोई भी लैग नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल किया है. आप देख सकते हो यहाँ पर लेटेस्ट बिल्ड है Havok OS का 3.6 यहाँ पर है, और आपको जो सिक्योरिटी पैच मिल जाता है वो 5 जून का मिल जाता है, ठीक है. एंड यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि इसमें सारी सेटिंग्स क्या क्या हैं. सो मैं यहाँ पर आपको पहले सबसे यहाँ पर ये दिखा देता हूँ. सो यहाँ पर आपको जो है देखिए नाइट मोड, नाइट लाइट आपको मिल जाता है, गेमिंग मोड मिल जाता है यहाँ पर. एंड यहाँ पर आपको बैक इधर चला जाऊँ मैं तो यहाँ पे डार्क थीम का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से जो है वॉक करता है, आप देख सकते हो यहाँ पर. सो ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है. पर आपको रीडिंग मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है. और यहाँ से आप जो है यहाँ पर FPS इन्फो भी आप देख सकते हो, जैसे आपको Coros OS में मिलता था. सो उसी तरीके से यहाँ पर जो है FPS आपको दिखाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात इसमें हो जाती है. एंड यहाँ पर आपको जो है गेमिंग मोड का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है. एंड यहाँ पर एक Xiaomi पार्ट्स का भी ऑप्शन आपको कुछ मिल जाता है इसमें. सो इसके बारे में अभी मैं बताऊँगा आपको. और यहाँ पर आपको सारी जो है चीज़ें दिख जाती हैं, यहाँ पर CPU इन्फो भी आपको दिख जाता है. एंड यहाँ पर इन्वर्ट कलर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर गाइस. उसके बाद हम चले जाते हैं सेटिंग में. तो सेटिंग में आपको जो है वाईफाई एंड ब्लूटूथ जो है वर्किंग मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है. यहाँ पर आप देख सकते हो वाईफाई जो है वो वर्क कर रहा है एंड ब्लूटूथ भी अच्छे से वर्क कर रहा है. मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो ब्लूटूथ भी जो है वर्क कर रहा है. यहाँ पर मैं ऑन कर देता हूँ इसको, और आप देख सकते हो यहाँ पर ये पेयर कर लेगा. सो ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों अच्छे से वर्क कर रहे हैं. सो दिक्कत वाली कोई बात आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर. एंड कर्नल मैंने जो है चेंज कर दिया, मैंने आपको बताया, तो सो बैटरी बैकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसका जो प्री बिल्ट कर्नल जो आता है वो मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल किया है. सो आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर जो कर्नल इसमें मिलता है सो आप उसी को चला सकते हो. सो यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगरेशन सेंटर में अगर चला जाऊँ तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको दिख जाती हैं. यहाँ पर स्टेटस बार में अगर चले जाएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग आपको दिख जाती हैं, जिससे आप अपने फ़ोन को जो है कस्टमाइज़ यहाँ पर कर सकते हो. यहाँ पर दोनों वोल्टी का सपोर्ट भी मिल जाता है, सो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है. एंड यहाँ पर वोल्टी जो है उसको HD में कन्वर्ट यहाँ पे कर सकता है, एंड यहाँ पर वोल्टी को 4G में कन्वर्ट कर सकता है, जो ऊपर यहाँ पर दिखता है आपको. सो ये भी एक फीचर इसमें है. एंड यहाँ पर आपको जो है बैटरी परसेंटेज का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पे हिडन इनसाइड द आइकन नेक्स्ट टू द आइकन. सो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर दिख जाएगा. सो ये भी आपको फीचर यहाँ पर मिल जाता है. एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिल जाती हैं. एंड यहाँ पर मैं क्विक सेटिंग में अगर चला जाऊँ तो क्विक सेटिंग में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर दिख जाते हैं. यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है. एंड यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं. यहाँ पर देखिए हैप्टिक फीडबैक का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है. एंड यहाँ पर मैं बैक चला जाऊँ अगर, तो यहाँ लॉक स्क्रीन में अगर चलाऊँ तो लॉक स्क्रीन में भी आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स जो हैं आपको दिख जाती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है. यहाँ पर पॉकेट डिटेक्शन का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात हो जाती है. एंड यहाँ पर मैं बात करूँ एम्बिएंट डिस्प्ले की, सो एम्बिएंट डिस्प्ले यहाँ पर ऑलवेज ऑन का ऑप्शन मिल जाता है, बट ये आई थिंक वर्क नहीं कर रहा, आप देख सकते हो यहाँ पर. सो वर्क कर रहा है गाइज, ये थोड़ी देर के लिए ही वर्क करता है, मुझे नहीं लग रहा कि क्यों अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है. देख सकते हो आप, जब मैं फ़ोन को नीचे रख रहा हूँ उसके बाद जब मैं उठा रहा हूँ फ़ोन को, सो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो दिखता है. सो अच्छे से ये वर्क नहीं कर रहा गाइज, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो. सो गाइज़ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, सो आप इसका यूज़ ना करें. वैसे भी इसमें IPS डिस्प्ले है, सो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यूज़ ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपकी बैटरी जो है वो ख़राब हो सकती है, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ. यहाँ पर आपको डुअल टैप का ऑप्शन मिल जाता है, पिकअप का ऑप्शन मिल जाता है, हैंड वेव का भी ऑप्शन मिल जाता है, एंड पॉकेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है.
सो यहाँ पर जो है काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको दिख जाती हैं। यहाँ बटन्स में अगर चलें तो बटन्स में भी काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको दिख जाती हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो फुल स्क्रीन जेस्चर है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। एंड साइड से भी आप बैक जा सकते हो और इधर से भी जा सकते हो, सो ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। इसको आपको करने के लिए आपको सिस्टम नेविगेशन में जाना है एंड यहाँ पर आपको तीन तरीके की जो है नेविगेशन बटन यहाँ पर मिल जाते हैं। सो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। मुझे ये वाला सही लगता है इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है, जो कि फुल स्क्रीन जेस्चर्स है। सो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। एंड यहाँ पर पावर मेन्यू में अगर चले जाएँ तो पावर मेन्यू में आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स यहाँ पर दिख जाएंगी। यहाँ पर एडवांस रिबूट का भी ऑप्शन मिल जाता है जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे। सो इस तरीके से आपको जो है ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। सो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन शॉट और स्क्रीन रिकॉर्डर, फ्लैशिंग लाइट एंड यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाती हैं जब आप प्रेस करोगे। सो यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पर एडवांस रिबूट का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से ये वर्क करता है। सो ये काफ़ी अच्छी बात आपके लिए हो जाएगी। एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स जो है मिल जाती हैं, तो आप यहाँ से जो है चेकआउट कर सकते हो गाइस कि आपको क्या करना है, क्या सेटिंग्स आपको जो है अप्लाई करनी है इसमें। उसके बाद यहाँ पर जेस्चर में अगर चलें तो जेस्चर में आपको यहाँ पर सेटिंग्स दिख रही हैं। सो यहाँ से आप जो है इसको चेकआउट कर सकते हो गाइस। उसके बाद बैटरी सेविंग की अगर बात करें तो बैटरी सेविंग में आपको यहाँ पर दो चीज़ें दिख जाती हैं। एंड यहाँ नोटिफिकेशन में अगर चले जाएँ तो यहाँ पर आपको एज लाइटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो। सो ये भी काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। बैटरी सेविंग में हमने आपको दिखा दिया है। स्क्रीन में अगर चलें तो स्क्रीन में आपको जो है यहाँ पर तीन तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। इमर्सिव, हाइड। इमर्सिव में जब मैं करूँगा तो कुछ इस तरीके का जो है आपको दिख जाएगा। एंड यहाँ पर जो है अगर मैं हाइट पे करूँ तो इस तरीके का कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सो यहाँ पर अभी मैं नॉर्मल में ही रहने देता हूँ। सो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो गाइस। सो उसके बाद मैं यहाँ पर जो है एनिमेशंस में अगर चला जाऊँ तो एनिमेशंस में आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स जो हैं वो दिख जाती हैं। सो एनिमेशंस में आप जाकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और इसका यूज़ कर सकते हो। मिसलेनियस में अगर चले जाऊँ तो यहाँ पर आपको जो है गेमिंग मोड का ऑप्शन मिल जाता है, वेक डिवाइस, चार्जिंग एनिमेशन एंड यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं। सो यहाँ से जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो गाइस। सो अभी तक आप देख सकते हो 70% बैटरी है मेरी जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से गाइस। सो आप देख सकते हो कि बैटरी बैकअप इसका कैसा है। सो यहाँ पर मैं डिस्प्ले में अगर चला जाऊँ तो डिस्प्ले में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है डार्क थीम का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है आपको, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इसका डार्क मोड कितना ज़्यादा अच्छा है गाइस। सो आप जब इसको अप्लाई करोगे सो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है लगेगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर स्टाइल्स एंड वॉलपेपर में अगर चले जाएँ तो स्टाइल्स एंड वॉलपेपर में आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स जो है यहाँ पर दिख जाती हैं। सो यहाँ से आप जो है कोई भी एक सेटिंग को चूज़ करके आप यहाँ लगा सकते हो, जो कि जो आपको पसंद हो आप यहाँ से लगा सकते हो। एंड यहाँ पर आप कस्टम भी यहाँ पर आप जो है आप अपना बना सकते हो, कोई भी फॉन्ट आप चूज़ कर लो, उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर क्लॉक ऑप्शन का आपको यहाँ क्लॉक ऑप्शन मिल जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं। यहाँ वॉलपेपर में अगर चले तो वॉलपेपर में आपको इस तरीके का ऑप्शन मिल जाता है और इसमें आपको एक ही वॉलपेपर ये वाला मिलता है बस। एंड यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर गाइस यहाँ पर लाइव डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो है सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है आपके लिए। साउंड्स में अगर चलें तो साउंड्स में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है इस तरीके का कुछ ऑप्शंस मिल जाएगा एंड यही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स में भी आपको यहाँ ऑप्शंस मिल जाते हैं। और यहाँ पर प्राइवेसी में अगर चलें तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सो आप यहाँ से जो है अपना चेकआउट कर सकते हो गाइस। उसके बाद मैं यहाँ Xiaomi पार्ट्स की अगर बात करूँ तो Xiaomi पार्ट्स में आपको यहाँ सारे ऑप्शन जो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पे MI साउंड इन्हेंसर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो यहाँ से जो है आप यहाँ से कोई भी अपना इफ़ेक्ट चूज़ करके यहाँ से अपना जो है म्यूज़िक का मज़ा ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छी यहाँ पर बात हो जाती है। FPS इन्फो मैं आपको बता ही दिया हूँ। सो नोटिफिकेशन में आपको वहाँ ऊपर स्टेटस बार में आपको दिख जाता है एंड यहाँ पर भी जो आपको दिख जाता है। डिस्प्ले कैलिब्रेशन में जो है आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स यहाँ पर दिख जाती हैं। यहाँ पर गाइज काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिख जाएंगी आपको। यहाँ पर आपको
इस पर क्लिक करोगे सो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारी सेटिंग यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ पे वार्म एमोलेड पे आप सेट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जो है डीप नेचुरल में सेट कर सकते हो। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो आपकी वॉक करती हैं, बट आपका जो कर्नल है वो केकल इनेबल होना चाहिए, उसी के बाद ये वॉक करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो डीप ब्लैक एंड वाइट भी आपका यहाँ पर वॉक कर रहा है। सो इससे आप अपनी डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो बढ़ा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर जो है सेट ऑन बूट, आप यहाँ पर इसको जो है इनेबल कर देना, जिससे आप कभी भी डिवाइस को रिबूट करोगे सो ये जो है अपने आप अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात हो जाती है गाइस। उसके बाद यहाँ पर हम सेटिंग्स में चले जाएँ तो सेटिंग्स में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ अपडेट टू एंड्रॉयड 10 का भी ऑप्शन मिल जाता है, सो यहाँ से आप चेक करके जो है अपडेट भी कर सकते हो। सो ये भी काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर आपको हो जाती है। सो यही सारी सेटिंग्स हैं गाइस। यहाँ पर आपको कॉल भी इसमें वर्किंग मिल जाएगी, डुअल वोल्टी भी वर्किंग मिल जाएगी, सो कोई प्रॉब्लम वाली बात आपको नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर इसका कैमरा भी वर्क करता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सो कैमरा भी यहाँ पर वर्क कर रहा है, यहाँ पर वीडियो मोड भी आपका वर्क कर रहा है। सो ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको किसी भी तरीके की ब्लॉटवेयर्स यहाँ पे नहीं मिल, सो आप जो है इसको अच्छे से अपने यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी ब्लॉटवेयर्स नहीं मिलेगा, इससे आपका स्टोरेज बचेगा, आपकी बैटरी लाइफ अच्छी होगी और आपका जो रोम है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलेगा, इसमें कोई लैग आपको नहीं दिखेगा। सो ये काफ़ी अच्छी बात आपके लिए हो जाएगी। सो अब बात आती है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है 3 फाइलों की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है रोम की फ़ाइल, दूसरा है आपको जो है कर्नल फाइल, और तीसरा आपका जो है जी एप्स की फ़ाइल आपको चाहिए। कर्नल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको फ्लैश करना है या नहीं करना है। सो गाइज इस तरीके से आपको जो है सारी चीज़ें कर लेनी है। सो आप देख सकते हो यहाँ रिकवरी मोड में जो है हम बूट हो चुके हैं। सो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। सो गाइज बूट होने के बाद आपको जो है वाइप में यहाँ पर जाना है, यहाँ पर वाइप में जाना है। वाइप में जाने के बाद एडवांस वाइप में जाना है, यहाँ पर डेल्विक कैच एंड डाटा एंड सिस्टम रूट एंड वेंडर, ये इतनी सारी चीज़ों को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद स्वाइप टू वाइप कर देना है, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मेटिंग हो रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा टाइम लेगा गाइज फॉर्मेट होने में। सो ये कंप्लीट फॉर्मेट हो चुका है गाइस। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है अपने यहाँ इंस्टॉल में। सो आपको यहाँ पर जो है अपना मेमोरी कार्ड जो है सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि तीनों फाइल यहाँ पर रखी हुई हैं, हैवॉक की और जी एप्स की और प्रेडिटर स्टॉर्म ब्रेकर की। सो इन तीनों की आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप तीनों को फ्लैश करना चाहते हो तो तीनों को डाउनलोड करके फ्लैश कर लेना। तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। सो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद ऐड मोर जिप्स यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर ऐड मोर जिप्स यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब तीनों को स्वाइप टू फ्लैश कर दीजिए, उसके बाद ये तीनों जो है आपका एक साथ फ्लैश हो जाएगा। सो यहाँ पर ये हो जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि गाइज आपको करना क्या है, ओके। सो आप वीडियो पर बने रहिएगा। सो आप देख सकते हैं सिस्टम इमेज जो है वो पैच हो चुका है, अभी यहाँ पर वेंडर इमेज जो है वो पैच हो रहा है यहाँ पर। सो रोम फ्लैश होने के बाद आपका जो है जी एफ फ्लैश होगा, उसके बाद आपका कर्नल जो है वो फ्लैश होगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि फ्लैश हो रहा है रोम जो है आपका, देखिए गाइस फ्लैश हो चुका है। और यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर देख सकते हो रोम, यहाँ पर स्क्रिप्ट सक्सीड हो गया था, यहाँ पर जो है जी एफ्स को अभी ये फ्लैश कर रहा है। Thank you.
तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी ये कम से कम थोड़ा टाइम तो लेगा ही, उसके बाद ये जो है आपका ऑन हो जाएगा फ़ोन। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का बूट एनिमेशन है और फ़ोन जो है वो आ गया है। सो इस तरीके से आपको जो अपना फ़ोन वो सेटअप कर लेना है। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हो। और इसमें बैंकिंग ऐप्स अगर आपको चाहिए जो अगर वर्क नहीं कर रहा है सो आप मैजिक्स को फ्लैश कर सकते हो, और मैजिक्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है सो मेरे आई बटन यहाँ पर आप जा कर के देख सकते हो, वहाँ पर आपको जो है फिक्स मिल जाएगा कि अगर आपका जो सेफ्टी नेट पास नहीं है उसको कैसे करना है। सो मेरे आई बटन पे आप जाके देख लीजिए, उससे आप आपको अपने फ़ोन किसी भी फ़ोन में फिक्स करते हो कर सकते हो, सबके लिए है वो। सो इसी तरीके से आपको करना है और उसके बाद अपना फ़ोन आपको सेटअप कर लेना है। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय गाइज।